तो वेलकम स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक फर्टिलाइजेशन निषेचन है ना। ये वीडियो इसलिए हर चीज़ में खुल के बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हम लोग जब सामने रहते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो निषेचन और एक होता है मैथुन, ठीक है। ये निषेचन है और जो मैथुन है उसमें बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बहुत जने को कन्फ्यूजन रहती है कि दोनों का मतलब सेम ही है क्या, नहीं है, ठीक है। मैथुन का मतलब क्या होता है, वो एक क्रिया है जो कि नर जनन और मादा जनन के मध्य होती है, लेकिन निषेचन भी एक ऐसी क्रिया है जो कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच होती है। इन दोनों में इतना ही फ़र्क है ना। तो हम लोग अभी निषेचन जो पढ़ने वाले, उसके लिए आपको थोड़ा सा शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना देखना ज़रूरी है, और उनके लिए जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसका लिंक वहाँ जाकर आप देखेंगे शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना, ठीक है। तो पहला हम लोग देंगे निषेचन का परिभाषा, उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, शुक्राणु अर्थात जो नरयुग्मक हैं, नरयुग्मक शुक्राणु को ही कहते हैं ना इस फर्म, तो शुक्राणु अर्थात नर युग्मक एवं अंडाणु अर्थात मादा युग्मक, मादा युग्मक अंडाणु कहते हैं, के संयोजन या संयोगमन की क्रिया निषेचन कहलाती है। मतलब सीधी बात यह है कि जो शुक्राणु हैं, ठीक है, और जो अंडाणु हैं, ये शुक्राणु और ये अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के जो संयोगमन की जो क्रिया होती है, इसे केवल चिपकना को नहीं बोलेंगे संयोगमन, इसके जो केंद्रक है और इनका जो केंद्रक है, वो इसका केंद्रक अंदर जाकर इनके केंद्रक के साथ जब मिलेगा तभी होगा फर्टिलाइजेशन, है ना। अर्थात शुक्राणु अर्थात नरयुग्मक एवं अंडाणु अर्थात मादा युग्मक के संयोजन या युग्मन की क्रिया निषेचन कहलाती है ना। मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया है, मनुष्य मतलब मादा मनुष्य में होता है ना ये, ठीक है। अंतः निषेचन पाया जाता है मनुष्य में, दो निषेचन के दो प्रकार होते हैं, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। तो बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, अंतः निषेचन जो शरीर के अंदर होता है। तो जो मनुष्य है मतलब जो मादा है, उस मादा में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, मतलब आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो मनुष्य के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रक्रिया में, है ना। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लेना, यहाँ पर क्या होगा, चलिए आगे प्रक्रिया चलती है कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अब मैथुन की क्रिया मतलब जो नर युग्मक होता है ना, कहा जाए नर, ये मादा जननांग है और ये नर जननांग है, ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच घर्षण को हम लोग मैथुन कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैथुन। और फर्टिलाइजेशन क्या है उसको आगे बताऊँगा मैं, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, है ना। अभी केवल मैथुन समझिए, है ना, यहाँ से, ठीक है। तो मैथुन क्रिया के चरम अवस्था मतलब अंतिम अवस्था में नर लगभग 3 से 4 ml वीर्य मादा योनि में स्खलित करता है, मतलब छोड़ता है। यहाँ से जो वीर्य है मादा योनि, ये योनि है, ठीक है, वर्जिना बोलते हैं इसको, है ना, यहाँ पर वीर्य छोड़ देते लगभग लगभग 3 से 4 ml, ठीक है। तो नर लगभग 3 से 4 ml वीर्य मादा योनि में स्खलित करती है, है ना, जो कि ग्रीवा, इस भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रीवा। इसके लिए, अच्छा, इसके लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, जो नर जनांग है और मादा जनांग है उसको ही पढ़ना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, क्या बोलते हैं, ग्रीवा, इसको गर्भाशय बोलते हैं, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडाशय, यहाँ पर है अंडाशय, इस तरफ ऐसी संरचना उस तरफ भी होता है, राइट तरफ, है ना, केवल लेफ्ट तरफ को ही बता रहा हूँ मैं, है ना। और एक महीना में केवल एक ही अंडाशय परिपक्व होती ना, ठीक है, एक अंडा मतलब एक महीना में अगर लेफ्ट तरफ के अंडाशय से परिपक्व हो रहा है तो दूसरे महीना राइट तरफ के अंडाशय से परिपक्व होगा जो अंडाणु है वो, है ना। चलिए, तो मैथुन क्रिया के चरण अवस्था में, चरमावस्था में जब नर है वो 3 से 4 ml वीर्य है वो मादा योनि में स्खलित कर देता है, छोड़ देता है, जो कि ग्रीवा के सिरिंज अवशोषण, सिरिंज अवशोषण मतलब खींचना, ये अवशोषित कर दिया, अपने अपनी ओर खींचती रहती है, ठीक है, ये जो ग्रीवा वाली भाग है ना, तो यहाँ पर छोड़ते हैं वीर्य, वीर्य छोड़ दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कि वीर्य छोड़ने के बाद जो कि ग्रीवा के सिरिंज अवशोषण क्रिया के कारण गर्भाशय में चला जाता है, मतलब यहाँ से ये होते हुए पूरा यहाँ गर्भाशय में चला जाता है, कौन, शुक्राणु,
अर्थात वीर्य, ठीक है, वीर्य उपस्थित जो शक्राणु है वो है ना, तो वीर्य मादा यानी स्खलित करता है जो कि ग्रीवा के शरीर अवशोषण क्रिया के कारण गर्भाशय में चला जाता है ना। वीर्य में लगभग 80 से 400 मिलियन शुक्राणु विद्यमान रहते हैं जो वीर्य होती है, ठीक है। 1024 के से होता है 1 मिलियन, 1024 के से 1 MB होता है, ठीक है, तो ये 80 MB है, मतलब 80 मिलियंस है, ठीक है, तो आप गणना कर लीजिएगा है ना। तो वीर्य में लगभग 80 से 400 मिलियन शुक्राणु विद्यमान रहते हैं। ये शुक्राणु ऊपर की ओर गर्भाशय से होते हैं, ये यहाँ पर अभी गर्भाशय चला गया है ना, मतलब वीर्य गया मतलब शुक्राणु गया, ठीक, तो ये गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचती है। अभी गर्भाशय होते हुए कहाँ पहुँचती है, अंडवाहिनी, ये देखो इधर की ओर, मान लो जाए लेफ्ट तरफ की अंडवाहिनी में, यहाँ से अंडाशय से, ये अंडाशय, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, इसको फिमरी पकड़ता है और वो अंडाणु यहाँ पर चला जाता है, अगर लेफ्ट मोहरी तो यही, राइट मोहरी तो राइट में करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीर्यम शुक्राणु हैं, ये शुक्राणु हैं है ना, ऊपर की ओर गर्भाशय से होते हुए ये अंडवाहिनी तक पहुंचती है, ये अंडवाहिनी पहुंच जाती है, ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में क्या होती है, पहुंच जाती है। अंडवाहिनी में जाकर शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर सिर के द्वारा चिपक जाते हैं। यहाँ पर बताया मैं, अंडाशय से अंडाणु निकल गया है, मतलब यहाँ पर पहुँच गया है, मतलब यहाँ पर अंडाणु भी पहुँच गया है और इधर से शुक्राणु भी पहुँच गया है, दोनों पहुँच गए, अंडाणु और इधर से शुक्राणु, ठीक है। तो अंडवाहिनी में आकर शुक्राणु जो अंडाणु है, अंडाणु के चारों ओर अपने सिर के द्वारा चिपक जाते हैं, मतलब देखिए अंडाणु तो केवल एक ही, लेकिन शुक्राणु कई लाख गए हैं ना, यहाँ पर 80 से 400 मिलियन गए, तो सभी शुक्राणु आकर इसे चिपक जाते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, अंडाणु के ऊपर शुक्राणु चिपक जाते हैं, मतलब सभी जितना आ सकें। अब ऐसा नहीं कि 80 से 400 मिलियन हैं तो 80 से 400 मिलियन नहीं आता, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना आप कि 80 से 400 मिलियन नहीं आता, ठीक है। एक बात में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे फिर कि क्या होता है कि कम्प्लीटली ये 80 से 400 मिलियन नहीं आता, यहाँ पर कोई जो ये जो गर्भाशय होती है वहाँ पर अम्लीयता पाई जाती है, जो योनि में यहाँ अम्लीयता, यहाँ पर बहुत सारे शुक्राणु मर जाते हैं, कुछ है वो ज़्यादा ज़्यादा मर जाता है, कुछ शुरुआत में ही मर जाता है, इसमें मरते रहते केवल कम से कम 1000-1200 लगभग बचता है ना, तो सभी इसके ऊपर चिपक जाते हैं, किसके ऊपर चिपक जाते हैं, अंडाणु के ऊपर। तो अंडवाहिनी में अगर शुक्राणु है, अंडाणु के चारों ओर सिर के द्वारा चिपक जाते हैं, इन शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु के संपर्क स्थल पर, ठीक है, चलिए आपको बता देता हूँ कि ये जो संरचना है, ये दिख रहा है ना, इसको मैं पूरा गोल नहीं बनाया हूँ, केवल जैसे कि ऐसा गोल है ना, ऐसे गोल, इस गोल का केवल आधा भाग, इस ऊपर का भाग बस बनाया गया, ये अंडाणु है, ठीक है, ऐसा गोल होगा, इस तरफ आपको पूरा नहीं बनाकर दिखाया जा रहा है, बात समझ आ रही ना, ये अंडाणु ऐसे गोल होता है ना, उसका केवल इतना भाग बस को बनाया गया, ऊपर भाग को, ये देखो, ठीक है। और ये जो आया है ये शुक्राणु है, एक शुक्राणु इधर और बहुत सारे शुक्राणु जुड़े होंगे ऐसे लाइन से, लेकिन क्रिया केवल एक ही शुक्राणु होता है, इसलिए एक ही शुक्राणु बताया जाता है। शुक्राणु अगर चिपकता है, इसमें चिपकता है, तो ये जो अंडाणु उसके जो भाग होते हैं वहाँ पर ना छोटा सा ऐसा शंकु बनता है, क्या बनता है, शंकु, उसी शंकु से ये चिपकता है, पहले ना यहाँ से यहाँ आया, इसका शंकु बनता है, चिपकता है, चिपकने के बाद फिर ये होता है, और ये जो अंडा, ये जो शुक्राणु का जो ये केंद्रक है वो अंदर पहुँचता है, यहाँ पर देखो पूरा अंदर पहुँच गया, और ये न्यूक्लियस किसका है, ये अंडाणु का न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस, अंडाणु का न्यूक्लियस और शुक्राणु का न्यूक्लियस दोनों का अगर जुड़ जाता है तो निश्चयन कम्प्लीट हो जाती है, बस इतने हैं। तो ये चित्र तो आप अच्छी तरह से और देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में चित्र नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था कि अंडवाहिनी में आकर शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर क्या होते हैं, सिर के द्वारा क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इन शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु के संपर्क स्थल पर अंडाणु की जो बाहरी दीवार है वो फूल कर एक निषेचन शंकु बनाता है। ये मान लो जाए अंडाणु है और ये शुक्राणु है, मान जाए बहुत सारे शुक्राणु लेकिन एक शुक्राणु के बारे में बता रहा हूँ, तो इसके संपर्क स्थल में क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है, ठीक है। चित्र ही दिखाया था मैं पिछले में, तो शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु के संपर्क स्थल पर अंडाणु की बाहरी दीवार फूलकर एक निषेचन शंकु बनाता है। अंडाणु तथा शुक्राणु का पास आना फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ के द्वारा संभव होता है। जो अंडाणु है और शुक्राणु है, उन दोनों का पास आने की जो क्रिया होती है वो ना फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण क्या होता है, संभव होता है, जो कि क्रमशः अंडाणु तथा शुक्राणु के द्वारा स्त्रावित होती है। अर्थात जो अंडाणु से फर्टिलाइजिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है और शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन्स
हार्मोन नहीं बोल सकते, इसको रासायनिक पदार्थ बोलेंगे, ठीक है, वो स्त्रावित होता है, ठीक है। अंडाणु तथा शुक्राणु का पास आना फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ के कारण संभव होता है, जो कि क्रमशः अंडाणु तथा शुक्राणु द्वारा क्या होती है, स्त्रावित होती है, है ना। आगे देखिए कि अब निषेचन शंकु बनने के बाद, यहाँ पर निषेचन शंकु बन गया, तो अब निषेचन शंकु बनने के पश्चात अंडाणु के द्वारा दूसरा शंकु नहीं बनाया जाता, ये जो अंडाणु द्वारा केवल एक ही जने शुक्राणु के बाद दूसरे शुक्राणु के, अब मैंने बताया कि बहुत सारे शुक्राणु आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन एक शुक्राणु के लिए अगर उन्होंने निषेचन शंकु बना दिया तो दूसरे शुक्राणु के लिए वो निषेचन शंकु नहीं बनाया जाएगा। बात समझ आ रही ना, समझ रही है। तो अब निषेचन शंकु बनने के पश्चात अंडाणु के द्वारा दूसरा शंकु नहीं बनाया जाता, मतलब एक बार शादी हो गई भैया, दूसरा शादी नहीं हो सकता, ठीक। अतः अंडाणु में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर सकता है। अंडाणु में चिपकने के पश्चात, ठीक है, अंडाणु से शुक्राणु चिपका है ना, तो अंडाणु से चिपकने के पश्चात शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अर्थात एंजाइम को स्त्रावित करता है। मतलब जो शुक्राणु है, शुक्राणु की संरचना हम लोग पढ़े ऐसे ही, उसमें सामने एक्रोसोम होता है, ठीक है। तो अंडाणु से चिपकने के पश्चात शुक्राणु का एक्रोसोम है विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अर्थात एंजाइम को क्या करता है, स्त्रावित करता है, जिसे सामूहिक रूप से शुक्राणु लाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु लाइसिस कहते हैं, ठीक। कहाँ से निकलता है? एक्रोसोम से, अर्थात एंजाइम को स्त्रावित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु लाइसिस। मतलब जितने भी रासायनिक पदार्थ निकलते हैं कहाँ से, एक्रोसोम से, उसको बहुत सारे ना, एक ही नहीं बहुत सारे, आगे नाम बताऊंगा कौन कौन से शुक्राणु लाइसिस हैं, सबको एक साथ हम लोग बोल देते हैं शुक्राणु लाइसिस, लेकिन शुक्राणु लाइसिस के अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम आते हैं, ठीक है, ओके। तो ये भी समझना, एंजाइमों को स्त्रावित करता है जिन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, शुक्राणु लाइसिस कहते हैं। शुक्राणु लाइसिस के कारण, जो शुक्राणु लाइसिस है उसके बहुत सारे पदार्थ हैं, तो शुक्राणु लाइसिस के कारण अंडाणु की जो दीवार है वो घुलती है, इनका जो दीवार है क्या होने लगती है, घुलने लगती है। वह शुक्राणु का सिर केंद्रक सहित धीरे धीरे अंडाणु में क्या करता है, प्रवेश करता है। मैंने चित्रम दिखा दिया कि यहाँ पर जो शुक्राणु है उसका जो केंद्रक है धीरे धीरे क्या करता है, प्रवेश करता है, केंद्रक सहित वो क्या करने लगता है, प्रवेश करने लगता है। यहाँ तक क्लियर करिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये मैंने ये बताया था कि शुक्राणु लाइसिस के कारण जो अंडाणु है, उस अंडाणु की जो दीवार होती है, ये दीवार है क्या होने लगती है, घुलने लगती है, और शुक्राणु है वो केंद्रक सहित, ठीक है, ये आधा भाग ये दिख रहा है ना, ये केंद्रक है और ये शुक्राणु का आधा भाग है, केंद्रक ही आधा भाग है। तो केंद्रक सहित जो शुक्राणु है वो अंडाणु में क्या करता है, प्रवेश करता है। यहाँ पर देखो, अंडाणु में क्या करता है, प्रवेश करता है, इतना बोले गए है ना। तो यहाँ तक तो प्रवेश कर लिया, ठीक है, और इतना लंबा वीडियो है तो आपको बार बार रिपीट करके भी देखना पड़ेगा, है ना, और बोर तो हो जाते हो आप, ठीक है। तो चलते हैं फिर, है ना, गीतांजलि बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है तो कुछ सुनाते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ आता जाता नहीं है, तो सुनिए कि जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो छूट गया है वो अब और ना आएगा, मुसाफिर की तरह ही चलना और चलते ही रहना, क्योंकि ये ज़िंदगी है साहब, वक्त दोबारा लौट ना आएगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग, है ना, मस्त मुस्काइए और चलते हैं आगे टॉपिक में। तो यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो शुक्राणु होती हैं वो केंद्रक सहित अंडाणु में क्या करती हैं, प्रवेश करती है। अब देखिए, यहाँ तक देखिए कि धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश करती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं शुक्राणु का सिर है केंद्रक सहित अंडाणु के चारों तरफ की पुटिका, ठीक है, अंडाणु के चारों तरफ, ये जो अंडाणु है अंडाणु के चारों तरफ और पुटिका होती है, ठीक है, अंडाणु के चारों तरफ की पुटिका कोशिकाएँ हैं वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा, है ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा हाइलुरोनिक, ऐसा बोलते हैं लेकिन यहाँ पर हाइलुरोनिक अम्ल है पूरा, है ना, चले चलेंगे, तो हाइलुरोनिक अम्ल द्वारा एक दूसरे से चिपकी रहती है ना, जो पुटिका है वो
जो पुटिका यहाँ पर बाहर अंडाणु की सृजन आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर पुटिका होती है। तो अच्छा यहाँ पर चला गया है ना आधा में, पुटिका की तरफ चला गया है जो शुक्राणु है, पूरा कम्प्लीटली अंदर नहीं गया अभी, ठीक है। तो हायलोरोनिक अम्ल द्वारा एक दूसरे चिपके रहते हैं जो पुटिकाएँ होती है, किससे? म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा हायलोरोनिक अम्ल के द्वारा एक दूसरे क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, जिससे शुक्राणु लाइसेंस का हायलोरोनिडेज प्रकिन्वा, देखिए हायलोरोनिक अम्ल है ना उसको हायलोरोनिडेज प्रकिन्वा वही घुलाती है, ठीक है। कहाँ निकल रही बोलेंगे, शुक्राणु से, शुक्राणु से निकल रही कौन, हायलोरोनिडेज प्रकिन्वा, और अंडाणु कौन है, हायलोरोनिडेज अम्ल, उसी को घुलाती है, इसके फलस्व वो और अंदर जाती है, कौन, शुक्राणु की केंद्रक। तो अंडाणु के चारों तरफ की पुटिका कोशिकाएं म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा हायलोरोनिक अम्ल द्वारा एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, ठीक है, जिसे शुक्राणु लाइसेंस का हायलोरोनिडेज प्रकिन्वा इसे अपघटित कर देता है, ठीक, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जिसे लिख दिया यहाँ पर ना, जिसे शुक्राणु लाइसेंस का हायलोरोनिडेज प्रकिन्वा अपघटित कर देता है। तो हायलोरोनिडेज प्रकिन्वा किसको अपघटित कर देता है, हायलोरोनिक अम्ल को, ठीक है। शुक्राणु लाइसेंस का दूसरा एंजाइम, पहला एंजाइम कौन था, हायलोरोनिडेज प्रकिन्वा, ठीक है, प्रकिन मतलब एंजाइम दोनों एक है ना। अब शुक्राणु लाइसेंस, मैंने बताया था ना कि शुक्राणु लाइसेंस में बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम हैं, तो शुक्राणु लाइसेंस का दूसरा एंजाइम कोरोना पेनेट्रेटिंग, ठीक है, कोरोना पेनेट्रेटिंग है ना, जो कि कोरोना रेडिएटर को घुला देता है, ठीक है। तीसरा एंजाइम जोनालाइजिन, तीसरा एंजाइम कौन है, जोनालाइजिन, जो कि जोना पेल्यूसिडा को घुलाता है, जोनालाइजिंग है, जोना पेल्यूसिडा को घुलाता है। कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेल्यूसिडा के भेदन से अंडाशय तथा शुक्राणु के सिर की जो प्लाज्मा झिल्लियाँ ऊपर ऊपर जो झिल्लियाँ होती है, ये इधर का झिल्ली, उसका झिल्ली, शुक्राणु का झिल्ली, अंडाणु का झिल्ली, पूरा घुल जाता है, क्योंकि यहाँ पर झिल्ली होती है, हम लोग पढ़े हैं शुक्राणु अंडाणु की संरचना में पुटिका होती है, यहाँ पर झिल्ली होती है, देखना याद अच्छी तरह, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलिसिडा के भेदन से अंडाणु तथा शुक्राणु के सिर की प्लाज्मा झिल्लियाँ घुल जाती हैं, ऐसी स्थिति के कारण नर तथा मादा युग्मक के केंद्रक पास पास आ जाते हैं, ठीक है। केंद्रक क्या होते हैं, आगे का मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आगे मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनते रहिएगा, है ना। तो क्या हो जाता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के केंद्रक क्या होते हैं, पास पास क्या होते हैं, आ जाते हैं, और दोनों का कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है, मिल जाता है, दोनों का कौन, कोशिका द्रव्य, ठीक है, इसका कोशिका द्रव्य, इसका कोशिका द्रव्य, दोनों का एकदम कनेक्ट हो जाता है क्योंकि अंदर चला जाता है, तो दोनों का कोशिका द्रव्य मिल जाते हैं तथा नर युग्मक और युग्मक तथा मादा युग्मक के केंद्रक एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और एक साथ मिल जाते हैं और दोनों आपस में संपर्क स्तर पर विन्यस्त हो जाते हैं और द्विगृहित कोशिका के रूप में युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसको एक बार और सुन लीजिएगा आप लोग रिपीट करके। अब युग्मनज मतलब जायगोट, जायगोट का निर्माण हो गया मतलब ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी संपन्न हो गई। एक्चुअली तो वहाँ तक संपन्न हो जाती है जब वो दोनों एक दूसरे से मिलती है, लेकिन उसका अंतिम उत्पाद क्या है, जायगोट है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करिएगा और अगर पूछना हो तो आप और पूछ सकते हैं, और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए बायोलॉजी क्लासेस विथ बलराम साहू। और यहाँ पर कुछ मैं बायोलॉजी क्लासेस के साथ साथ कुछ इंटरटेन क्लासेस भी शुरू किया हूँ, जिसमें से आपका निकलेगा सी जी वापम का क्लास रहेगा, जिसमें आपको सी जी वापम के संबंधित हिंदी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। कुछ केमिस्ट्री क्लास रहेगी, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास अधिकतर छोटे क्लास के रहेंगे, ठीक है, और कुछ ऑन द स्पॉट क्लास रहेगी। ऑन द स्पॉट मतलब डायरेक्टली जो मोलस्का संघ है या कोई भी एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, इसका जो वीडियो है डायरेक्टली ऑन द स्पॉट में देखेंगे हम लोग, जिस स्पॉट में हम लोग डायरेक्टली कक्षा में ना होकर उस स्पॉट में जाएंगे, उस जगह में जाएंगे जिस जगह एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हम लोग को मिलता है, जिस जगह मोलस्का संघ जो मिलता है वहाँ पर जाएंगे। इस तरह से वीडियो और क्रिएट किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल में, आप लोग जाइए पहले यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मंथली सब्सक्राइबर 1000 होना 1000 की जरूरी होती है, लेकिन 100 पहले हो जाए, ठीक है।